ड्यू के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की दीवारों पर आईएसआईएस के समर्थन में लिखे नारे, एबीवीपी ने मॉरिस नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। कॉमर्स डिपार्टमेंट की दीवार पर लिखा था आइस इन आईएसआईएस, मतलब हम आईएसआईएस संगठन का समर्थन करते हैं। सोशल वर्क डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में जस्टिस फॉर नक्सल्स और अफस्पा आजादी के भी नारे लिखे मिले, पुलिस ने जांच शुरू की। दहशतगर्दों के खात्मे से अलगाववादी बेचैन, हुर्रियत ने आज और कल बंद का किया ऐलान। हिजबुल कमांडर सब्जार के मारे जाने के बाद कश्मीर में तनाव, कई इलाकों में पथराव और प्रदर्शन। एनकाउंटर की खबर फैलते ही बाजार हुए बंद, प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में मार गिराए 10 आतंकी। सुरक्षा बलों ने रामपुर सेक्टर में 6 उतराल में 4 आतंकियों को उतारा मौत के घाट। सेना के ऑपरेशन में हिजबुल कमांडर सब्जार बट ढेर, बुरहान वानी के बाद हिजबुल कमांडर बना था सब्जार। सब्जार और दूसरे आतंकियों के एनकाउंटर पर बौखलाया पाकिस्तान, सरताज अजीज ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पास पहुंचा बौखलाया पाकिस्तान, यूएन और मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप को कहा। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री अरुण जेटली की चेतावनी, सीमा पार से नापाक हरकत का कड़ा जवाब देगी आर्मी। जेटली ने कहा हमारी सेना किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। राहुल ने जम्मू कश्मीर के हालात को गंभीर बताया, कहा मोदी सरकार ने देशद्रोहियों को पांव जमाने का मौका दिया। करगिल के शहीदों को वायुसेना प्रमुख बीएस धनोवा ने दी श्रद्धांजलि, MiG-21 उड़ाकर किया फ्लाई पास्ट। 3 दिन के दौरे पर कारगिल एयरफोर्स बेस पहुंचे धनोवा, सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। वायुसेना प्रमुख का नौसैनिकों को मंत्र, भूत से सीखो, वर्तमान में अभ्यास करो, भविष्य में जीतो। माता वैष्णो देवी के पहाड़ों में लगी भीषण आग, चपेट में अर्धकुमारी के पास का बड़ा इलाका। एहतियातन माता वैष्णो देवी के नए रास्ते को बंद किया गया, आग बुझाने की कोशिशें जारी। भुवनेश्वर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, दो मवेशी ट्रांसपोर्टर्स को बेरहमी से पीटा। कैमरे में कैद पिटाई की तस्वीरें, रेलवे स्टेशन पर भीड़ के सामने दोनों को बुरी तरह पीटा। रेलवे पुलिस ने बजरंग दल के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, 25 के खिलाफ केस दर्ज। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर करेंगे मन की बात, 3 साल के कार्यकाल पर बोल सकते हैं पीएम। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में मन की बात सुनेंगे अमित शाह, आरकेपुरम में रविदास कैंप के पास झुग्गियों में जाएंगे। आज कर्नाटक में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज का उद्घाटन करेंगे जेटली, 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनी टेस्ट रेंज। पीएम के साथ नीतीश की मीटिंग पर जीतनराम मांझी का हमला, कहा अवसरवादी है नीतीश, 2019 चुनाव को देखते हुए उठा रहे हैं कदम। मीटिंग के बाद बोले नीतीश कुमार, बैठक राजनीतिक नहीं, पूरा विपक्ष एकजुट है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गोंडा और बलरामपुर का दौरा, कई सरकारी प्रोजेक्ट्स का करेंगे निरीक्षण। बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर का भी दर्शन करेंगे योगी, गोंडा में दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गोंडा और बलरामपुर में कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे सीएम, बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। वाराणसी में योगी ने गंगा सफाई कार्यक्रम का किया निरीक्षण, गंगा से द्रोह को मानव द्रोह जैसा बताया। समर्थकों के साथ पहुंचे सहारनपुर राहुल गांधी, पुलिस ने यूपी हरियाणा बॉर्डर से ही लौटाया। लौटने से पहले शाहजहांपुर चौकी पहुंचे राहुल गांधी, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। राहुल ने कहा आज देश में गरीबों के लिए जगह नहीं, दलितों को दबाया जा रहा है। राहुल के सहारनपुर दौरे पर श्रीकांत शर्मा ने की खिंचाई, ट्रेजेडी टूरिस्ट बताया। यूपी में अपराध पर बोले योगी के मंत्री श्रीकांत शर्मा का, अपराधियों पर कसेंगे नकेल, पिछली सरकारों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। जेवर कांड में पीड़ित महिलाओं ने सीबीआई जांच की मांग की, पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित महिलाओं ने कहा मुजरिम अब तक नहीं हुए गिरफ्तार, पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ने का दिया था भरोसा। जेवर में पीड़ित परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, कहा पारदर्शिता से हो रही है जांच। आपके हैकाथॉन दावे पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा हैकाथॉन नहीं, ईवीएम चैलेंज की कही थी बात। चुनाव आयोग ने कहा मदरबोर्ड से छेड़छाड़ की नहीं देंगे इजाजत। जेटली मानहानि केस में एलजी को कानूनी सलाह, केस लड़ने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते केजरीवाल। राम जेठमलानी को सरकारी खजाने से पैसे देने पर उठे थे सवाल, एलजी बैजल ने मांगी थी कानूनी सलाह। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर फिर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा दिल्ली के अस्पतालों में 300 करोड़ का घोटाला। कपिल ने कहा बिना जरूरत 300 करोड़ की खरीदी गई दवा, 3 मामलों में एसीबी में दर्ज कराएंगे शिकायत। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने स्वास्थ्य घोटाले की जांच की मांग की, एलजी को लिखी चिट्ठी। मनोज तिवारी ने एम्बुलेंस और स्वास्थ्य उपकरणों से जुड़े टेंडर की फाइल सील करने की मांग की, कहा जांच जरूरी। गुजरात के 15 आप नेता 6 जून को केजरीवाल से करेंगे मुलाकात, गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में लिया जाएगा फैसला। केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री द इनसिग्निफिकेंट मैन को सर्टिफिकेट देने से सीबीएफसी का इनकार, बीजेपी कांग्रेस से एनओसी लाने को कहा। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर सोनिया की बैठक पर वेंकैया की चुटकी, कहा विपक्ष में मतभेद, सरकार एकजुट। राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन के बाद विपक्षी पार्टियों से बात करेगी बीजेपी, पीटीआई को इंटरव्यू में अमित शाह का ऐलान। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बोले एनडीए के सहयोगी रामदास अठावले, का शरद पवार बने प्रत्याशी तो बन सकती है आम सहमति। आज आएंगे सीबीएसई बोर्ड के नतीजे, मॉडरेशन पॉलिसी को लागू करते हुए आएंगे 12वीं के रिजल्ट। सीबीएसई से जुड़े हैं देश के 18,000 स्कूल, इस साल 12वीं की परीक्षा में बैठे थे करीब 11 लाख छात्र। ग्रेस मार्क से छात्रों को मिलेगा फायदा, पासिंग मार्क से चूकने वाले छात्रों को राहत।
दिल्ली मेट्रो की हेरिटेज लाइन आज से होगी शुरू, स्टेशन पर मोबाइल से खुलेंगे गेट। सीएम केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री नायडू दिखाएंगे मेट्रो को हरी झंडी, फरीदाबाद से कश्मीरी गेट तक सीधे कर सकेंगे सफर। दिल्ली एनसीआर में रात से झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान गिरने के बाद लोगों को गर्मी से राहत। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी, मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग की चेतावनी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और नैनीताल में हो सकती है भारी बारिश। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। भारत में जीका वायरस ने दी दस्तक, अहमदाबाद में 3 लोगों में वायरस की पुष्टि। WHO ने भी भारत में जीका वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की, बापूनगर इलाके में पाए गए 3 मरीज। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, जीका वायरस से पीड़ित दोनों महिलाएं और बच्चा सुरक्षित, कहा घबराने की जरूरत नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का रोमांचक वीडियो, गुस्साए हाथी ने पर्यटकों की जिप्सी का किया पीछा। देर तक जिप्सी के पीछे दौड़ता रहा नाराज हाथी, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर लोगों ने बचाई जान। बिहार के जहानाबाद में पैसेंजर ट्रेन के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा, लड़के की जमकर धुनाई। लड़की ने लड़के की पिटाई की, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया आरोप। बिहार में 5 साथियों को फांसी की सजा के विरोध में नक्सलियों के बंद का ऐलान, प्रशासन अलर्ट पर। केंद्र के मवेशियों की खरीद बिक्री पर रोक के खिलाफ केरल सरकार, कानूनी विकल्प पर कर रही है विचार। तिरुवनंतपुरम समेत केरल के कई हिस्सों में बीफ फेस्टिवल मना, मवेशियों की बिक्री बैन का किया विरोध। कोल्लम में DCC दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीफ पकाया, केंद्र के फैसले जताई नाराजगी। त्रिवेंद्रम में SFI का अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर बीफ बनाकर जताया विरोध। मवेशियों की खरीद बिक्री पर बैन से केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी खुश, कहा किसानों को होगा लाभ। JDU नेता नीरज कुमार की चुटकी, गायों से इतना प्रेम है तो क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु करते घोषित। श्रीनगर के लाल चौक पर JDU ने किया प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। PM मोदी से मिले मॉरिशस के PM जगन्नाथ, समुद्री सुरक्षा को लेकर करार हुआ।